वक्त हमारे साथ छतरपुर नगर पालिका की अध्यक्ष अर्चना सिंह जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि संभावित प्रत्याशियों में जिनका नाम सबसे तेजी से उभर रहा है, एक ऐसा चेहरा जो युवा हैं, महिलाओं में खासी लोकप्रिय हैं, उनके बात करने के स्टाइल से लेकर उनके पहनावे तक, उनकी सियासत करने के तरीके से लेकर उनके जनसंपर्क तक, जो एक रोल मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं, अर्चना जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। अर्चना जी, नगर पालिका अध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उस क्षेत्र में जो विकास की दौड़ में पहले पिछड़ा रहा हो, क्या उपलब्धियां आपकी 4-5 साल की बड़ी हैं? वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा दूसरा कार्यकाल है और बहुत ही शानदार कार्यकाल मैं इसको बोलूंगी, क्योंकि जनता के बीच में जो उन्होंने मुझसे अपेक्षाएं की थी, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूं। और जैसा कि आपने देखा होगा, पहले जब हमारा शहर था, ना तो यहाँ डिवाइडर्स थे, ना यहाँ पर रोड्स थी, ना यहाँ जिस तरह का, जैसे शहर बढ़ता है या लोगों की डिमांड बढ़ती है, आप उसके अनुरूप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी, हमने अमृत परियोजना से अपने शहर को जोड़ा। आप देख रहे हैं कि हमारे यशस्वी शिवराज जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, अगर उन्हीं पे हम बहुत अच्छे से काम करेंगे तो एक बहुत सारा वर्ग उससे प्रभावित होगा। तो ये सारे काम हम लोगों ने किए, रोड बनाना, डिवाइडर्स बनाना, पानी का काम है, लाइट का काम है, जो हमारी योजनाएं हैं उनको देना, ये सारा काम जो है ये हम लोगों ने किया है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक आरोप लगते रहते हैं बीजेपी पर कि घोषणाएं बहुत होती हैं, काम बहुत कम होते हैं। 2008 में मैं आया, 13 में आया, छत्रसाल चौक पे मैं खड़ा हुआ था, कुछ चर्मकार वहाँ बैठते हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर, हमें पक्की दुकानों के वादे पिछले चुनाव में किए गए थे, नहीं हुए। 13 में भी कहा, आज गया तो आज भी कहा, तो कुछ योजनाएं जो हैं वो अटकी रह जाती हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, ऐसा है कि योजनाएं जो हैं वो तो ऐसा नहीं है कि अटकी रह जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं, और जब शासकीय काम होते हैं तो थोड़ा सा कागजी कार्रवाई और इन सारी चीज़ों, फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद ही हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी योजनाएँ अटकी हुई हैं, मुझे लगता है अगर 100 घोषणाएँ की गई हैं तो उनमें से 2 छूटी रह गई होंगी, बाकी सारी की जा चुकी हैं। अगर दुकान का मुद्दा है, क्योंकि जो घोषणाएं हम लोगों ने की है, जो हमारे चुनाव पत्र में थी, उसको हम पूरा करते जा रहे हैं। लगभग उसमें से सारी योजनाएं हमने पूरी कर चुकी है, करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी जो शिवराज जी की योजनाएं थी, जो उन्होंने घोषणाएं थी, वो भी लगभग हम स्टेप बाय स्टेप उनको करते जा रहे हैं। शिवराज जी की घोषणा की बात की, एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ आना था, 2013 चुनाव से ठीक पहले वादा होता है। देखिए, जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा है वो वाकई में बहुत बड़ी घोषणा थी, बहुत ज़्यादा, और उसके लिए माननीय शिवराज जी ने, उसके लिए जो हमारी जो हम लोगों की मंशा थी कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुले, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आए, तो वो उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। मन तो वो बहुत पहले से बना रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ को पूरा करने में बहुत कागजी कार्रवाई होती है, उसको बहुत सारे पेपर्स में पूरा करना पड़ता है, और घोषणा करने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनको भी निभाना पड़ता है। लेकिन अब अस्पताल में डॉक्टर और इक्विपमेंट और तमाम सुविधाएँ कब तक? बहुत जल्द, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी हमारी जो हमारा जो 360 बेडेड का हॉस्पिटल है वो उन्होंने दिया है, उसका आप देख रहे हैं कि अभी उसका पूजन होना है, स्टार्टिंग होना है उसका, तो 30 तारीख को हमारे सीएम साहब हमारे नगर में आ रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा लेके, तो उसी टाइम पे उसका पूजन भी होना है, और उसी टाइम पे हमारा मेडिकल कॉलेज का भी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी की जाएंगी। अब संगठन की बात कर लेते हैं, प्रत्याशी की उम्मीदों की बात कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि आपके पति यानी कि गुड्डू भैया या तो प्रत्याशी होंगे और वो आपका नाम आगे बढ़ाते हैं, दोनों ही आप बहुत चर्चित हैं, यंग फेस हैं, तो ए वो हैं, बी आप हैं, या बी आप हैं, ए आप हैं, बी वो हैं, सी के लिए कोई चांस बचता है यहाँ? देखिए, क्या है कि संयोग है कि वो भी बीजेपी में हैं और मैं भी बीजेपी हूँ, हम दोनों एक ही पार्टी में कार्यरत हैं, और वो संगठन में काम कर रहे हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो वो भी अपना काम कर रहा है, वो अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही हूँ, और ये जो टिकट देने की बात है, जो आगे जिम्मेदारी देने की बात है, तो उसमें मैं तो बहुत, अभी हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं, हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और जो भी आदेश होगा ऊपर उसको हम मानेंगे। अगर इनका काम, इनको देखते हुए टिकट दिया जाएगा तो वो भी अच्छी बात है, मुझे देखते हुए टिकट दिया जाएगा तो वो भी अच्छी बात है। हम लोग अपना काम, जो हम लोग को काम दिए गए हैं, वो हम ईमानदारी से कर रहे हैं और करते रहेंगे। तीसरे को टिकट दिया जाएगा तो भी हम पार्टी के लिए तो हमें करना ही है, हम बिल्कुल करेंगे।
एक बहुत ईमानदार उत्तर चाहूँगा मैं आपसे, ये जनप्रतिनिधि या नेता होने से पहले छतरपुर वासी होने के नाते, यहाँ पर लोग कहते हैं कि आप लोग बाहरी हैं, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है जब इतने सालों से, इतने लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है और फिर बाहरी का तमगा आप पर लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि बाहरी का किसी ने आरोप अभी तक लगाया है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो कोई हम लोग बाहरी नहीं है। और यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से मुझे तो लोगों ने बिटिया स्वीकार किया है, मुझे तो बहू भी स्वीकार नहीं किया, मुझे तो लोगों ने बेटी स्वीकार किया है छतरपुर में। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि यहाँ छतरपुर में, क्योंकि आप पिछले चुनाव में जब देखेंगे तो मैं 668 वोटों से जीती थी, और जब मुझे दोबारा चुनाव में टिकट दिया गया नगर पालिका अध्यक्ष का, तो मैंने 17,500 वोटों से मैंने जीत हासिल की। तो वो लोगों का विश्वास था, स्नेह था, उनकी अपेक्षाएँ थी, उनका स्नेह था, तो वो एक बिटिया के लिए था। तो मुझे नहीं लगता कि बाहरी का तमगा मेरे ऊपर लगा है। अच्छा, एक बात और, लोग खासतौर से महिलाएं आपको देखकर बड़ी प्रभावित होती हैं और बहुत अच्छा उनको फील होता है। हमने देखा कि काफ़ी यूथ भी आपसे प्रभावित होता है, आपसे, आपको रोल मॉडल के तौर पर चाहता है। महिलाओं के लिए किस तरह से आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं? महिलाएं, देखिए, एक महिला होने के नाते मैं महिलाओं के सभी दर्द जानती हूँ, और मैं सुबह से शाम तक, मुझे लगता है कि मैं किसी महिला को रोते हुए नहीं देख सकती। और इसलिए मैंने यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे काम महिलाओं के ऊपर किए। हमारी एक समिति बनी हुई है जिसमें आज की डेट में लगभग 3,500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और वो ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही, जो अच्छे घरों की थी लेकिन वो विडो हो गई, असमय विडो हो गई, या फिर उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया, बहुत अच्छी कास्ट को बिलोंग करती हैं, ना तो वो किसी के घर में झाड़ू पोछा कर सकती हैं, ना वो किसी के घर में बर्तन मान सकती है। तो उनके लिए हमने एक काम शुरू किया, मसाले पीस के पैकेट्स बनाना, बच्चों के झबले बनाना, कपड़े बनाना, ये सारे लघु उद्योग जैसे काम हमने यहाँ पर महिलाओं के लिए स्थापित किए। तो आज वही महिलाएँ जो हैं मेरे लिए, और भी महिलाएँ हैं वो मेरे लिए खड़ी हैं, मैं उनके लिए खड़ी हूँ। चलिए, आपको शुभकामनाएं देते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, आपको और आपकी पार्टी को, खासतौर से आपको, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि जब दंगल के दबंग जैसी किसी सीरीज में हम एक महिला नेत्री को दिखाते हैं, वो चुनौती ना सिर्फ दूसरे हमारे दिग्गजों को दे रही हैं बल्कि खुद उनके घर में वो चुनौती के तौर पर उनका नाम दिखता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त कैमरामैन लक्ष्मी उप्रीते के साथ मैं अभिलाष मिश्रा।